अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग के। आज हम बना रहे हैं दाल की कचौरी। तो चलें देखते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। दाल की कचौरी के लिए हम सबसे पहले इसकी स्टफ़िंग तैयार करेंगे। तो स्टफ़िंग के लिए हमारे पास है यहाँ पर 1 कप चने की दाल, जिसे मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिया था, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1.5 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर नमक लिया है। तो सबसे पहले हम एक पैन में ऐड कर देंगे तकरीबन 2 कप पानी। इसके बाद हम इसमें भीगी हुई दाल ऐड कर देंगे। अब हम इसमें हल्का सा चम्मच चलाएंगे और इसमें नमक शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। इसे हल्का सा स्टर करेंगे और इसे छोड़ देंगे बॉयल आने के लिए। तो जैसे ही इसमें बॉयल आएगा, हम इसे कवर करके इतना पकाएंगे कि दाल भी गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। तो दाल हमारी यहाँ गल चुकी है और पानी भी यहाँ अच्छे से खुश्क हो चुका है। इसे हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा होते ही इसे चम्मच से ही मैश कर लेंगे। अब हम डो तैयार करेंगे। तो डो के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है, 1/2 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 1/4 कप मैंने तेल लिया है। तो सबसे पहले मैदे में ऐड करेंगे नमक, सफ़ेद ज़ीरा, 4 खाने के चम्मच हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। पहले इन तमाम चीज़ों को हम हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए, जैसे रेगुलर आटा हम गूंथते हैं उसी तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि मेरी डेली आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर इसे हम अच्छे से नीट कर लेंगे। डो को हमने अच्छे से नीट कर लिया है। इसे हल्का सा ऑयल लगाकर इसे 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 1/2 घंटा हो चुका है, डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसे एक बार दोबारा से नीट कर लेंगे। नीट करने के बाद हम इसके छोटे साइज़ के पेड़े बना लेंगे। एक ही साइज़ के हम तमाम पेड़े तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तमाम पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। इसके बाद हम एक पेड़ा लेंगे, इसे साइडों से प्रेस करेंगे, दरमियान से ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। अच्छे से प्रेस करने के बाद हम इसके दरमियान में बॉईल की हुई दाल रख देंगे और इसे चारों तरफ से इकट्ठा कर लेंगे। ऊपर की तरफ लाकर दाल को हम अच्छे से इसमें कवर कर लेंगे और इसे ऊपर से पिंच कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 स्टफ पेड़ा तैयार कर लिया है, बाकी के भी मैंने रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हम बोर्ड के सरफेस पर लगा लेंगे ऑयल और स्टफ़ किया हुआ पेड़ा लगकर इसे हाथों की मदद से ही थोड़ा सा फैला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 तैयार कर ली है और बाकी की तमाम भी इसी तरह से तैयार करेंगे। तो बाकी की तमाम भी मैंने यहाँ पर रेडी कर ली हैं। अब हम इसे गरम किए हुए तेल में ऐड करेंगे। आँच हम दरमियानी कर देंगे और इसे हम चम्मच की मदद से प्रेस करेंगे और इसके ऊपर ऑयल डालेंगे ताकि जो हमारी कचौरी है वो अच्छे से फूले। बार बार हम इसे प्रेस करेंगे क्योंकि प्रेस करने से इस पर प्रेशर पड़ेगा तो इसमें हवा भर जाएगी और ये अच्छे से फूल जाएगी। तो कचौरी हमारी फूल चुकी है, इसे पलट लेंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाए। तो कचौरी हमारी रेडी है, इसे निकाल लेंगे और बाकी की तमाम भी इसी तरह से तैयार करेंगे। आप इसे आलू की तरकारी के साथ सर्व करें और चाहें तो रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।